हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बोट के एक नेक बैंड के बारे में जो कि अभी फ़िलहाल ही लॉन्च हुए हैं। इनका नाम है बोट 255 ANC। इनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलती है। इनके बारे में फुल डिटेल टेस्टिंग करेंगे, कैसा बैकअप है, कैसी आवाज़ है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो फटाफट यहाँ पर अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। पीछे की तरफ यहाँ पर इसके फीचर्स, आगे की तरफ ANC बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अब देखते हैं अंदर, चेकआउट करते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इसके बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, सबसे ऊपर आपको बर्ड्स रखे हुए देखने को मिल जाएंगे। ओपन करते ही आपको यहाँ पर फील आएगी कि आपको प्रीमियम पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, एकदम सुपर प्रीमियम वाली फील आएगी। फिर जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे, बर्ड्स आपके यहाँ पर रखे हुए हैं इसके अंदर। इनको मैं अभी निकालता हूँ थोड़ी देर में, बाकी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं बॉक्स के अंदर, बाकी सब क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ आपको देखने को मिलती है ये केबल, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इनके सारे बुकलेट, क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स स्मॉल और लार्ज साइज की, और यहाँ पर सारा ये बुकलेट वगैरह देखने को मिलती है। एक बोट का स्टिकर, फिर इसकी यूज़र मैनुअल, नेक्स्ट इसका आपको दिया गया है ऐप का सपोर्ट, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड ऐप भी देखने को मिल जाती है, और आपको वारंटी कार्ड, ये सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब गाइस चलते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो सबसे ऊपर आपको ऊपर वाला पार्ट आपको एकदम सॉफ्ट रबड़ वाला देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। फिर इनके यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, जिसपे स्क्रैचेज और स्मजेस कुछ भी नहीं आएंगे। और राइट साइड वाले की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको सारे बटन के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। LED लाइट, आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है एक साइड में। और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर सॉलिड है। अब चलते हैं वायर की तरफ। वायर में बोट ने यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है, कुछ अलग टाइप का वायर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टूटने उठने के चांस कम हो जाएंगे। बर्ड्स की तरफ चलें तो ये आपको मेटल की नहीं देखने को मिलती, बट काफ़ी प्रीमियम फील होती हैं, काफ़ी बड़ी फील होती हैं, और मैग्नेटिक यहाँ पर टच लॉक मिलता है। डिज़ाइन सुपर्ब है, यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम लगती हैं और सॉलिड भी फील होती हैं, काफ़ी लास्ट ये आपको करने वाली हैं, लंबे टाइम के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। बर्ड्स के डिज़ाइन की बात करूँ तो ये आपको कुछ चेंज किया गया है, पहले से मेटल की जगह यहाँ पर थोड़ा हल्का रखने के लिए ये यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ करा है, ABS प्लास्टिक का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत इसके मामले में नहीं आएगी। आप इसको किसी भी तरह रफ़ यूज़ करो, कैसे भी करो, आपका ये काफ़ी अच्छे से काम करेगी। बटन क्वालिटी भी यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डक्टाइल फील आती है बटन में भी। ओवरऑल सॉलिड प्रोडक्ट है, इसको ईजीली से आप तोड़ भी नहीं पाओगे, वायर भी एकदम सॉलिड मजबूत देखने को मिलती है। इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बर्ड्स में की गई है, मैग्नेटिक हैं, थोड़े से लाइट वेट करने की वजह से यहाँ पर ABS वाली बॉडी यूज़ करी गई है। अब यहाँ पर वेट की बात करूँ, 45 ग्राम्स की आपको देखने को मिल जाती है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर भारी सी फील नहीं होंगी, थोड़ी सी यहाँ आपको सॉलिड ही फील देंगी। अब चलते हैं कनेक्टिविटी पर। लेटेस्ट आपको यहाँ पर 5.3 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ और गूगल का पेयर भी आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप बर्ड्स को जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा पॉपअप, और कनेक्ट करने के बाद आपको ये प्ले स्टोर पर ऐप भी डाउनलोड करवा देगा, बोट हेयरेबल्स करके इसकी ऐप देखने को मिल जाती है, और ये यहाँ पर फ़ोन से कनेक्ट हो गए। ऑडियो में आपको HD ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी हमारी ऐप ओपन हो गई, ऐप के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। देखते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अंदर आपको कोई कंट्रोल्स नहीं देखने को मिलते। तो गाइज, इन ईयरफोन्स में आपको देखने को मिलती है डुअल पेयरिंग। अभी मैंने ये इस वाले फ़ोन से कनेक्ट कर रखी है, कनेक्टेड सेम बर्ड्स को मैंने यहाँ पर भी कनेक्ट कर रखा है। बाकी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इनके नेक बैंड में सॉन्ग्स प्ले करके कि किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इस फ़ोन पे गाने चला रहा हूँ तो आप देख सकते हो आवाज़ आ रही है। अब चलते हैं दूसरे फ़ोन पर, दूसरे फ़ोन से यहाँ पर गाने चलाते हैं। तो यहाँ पर इनकी भी आवाज़ आ गई, थोड़ा सा डिले है पर दोनों में आराम से ये काम करती है डुअल पेयरिंग काफ़ी बढ़िया से। अब करते हैं बात यहाँ पर फिट और कंफर्ट की। तो मेरे कानों में इनके जो मीडियम वाले बर्ड्स हैं काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर फिट हुए, कोई भी दिक्कत इश्यूज मुझे नहीं हुए, बढ़िया इनकी एकदम फिट लगी मुझे। और कान पर मैंने इसको यूज़ करके देखा हिला डुला के भी, तो भी नहीं गिरे, फिटिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी आई है।
काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर फिट, आप देख ही सकते हो। और देखो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर को हिलाया, ऊपर नीचे करा, कान पे हाथ मारा, तभी भी ये नहीं गिरे। और ज़्यादा ज़ोर से आप इनमें झटका लगेगा तो ये गिर जाएंगे, बट फिर भी आपके ये यहाँ पर गर्दन पे ही पड़े रहेंगे, नीचे गिरने का खोने का यहाँ पर कोई रिस्क आपको नहीं होगा। अब चलते हैं म्यूज़िक क्वालिटी की तरफ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड देखने को मिल जाती है, 100% पर सुनने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप 70-80% पर वॉल्यूम सुनोगे, काफ़ी अच्छी आपको ऑडियो मिलेगी, बेस वगैरह काफ़ी अच्छी है, ट्रबल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हल्की सी मुझे क्लैरिटी कम लगी अगर आप वन प्लस की बड से कंपेयर करो तो। बाकी यहाँ पर ओवरऑल साउंड को मैं रेट करूँ तो यहाँ पर अच्छा रेट करूँगा मैं, 10 ऑफ में से 8.5 यहाँ पर मैं इसको रेट करूँगा। बाकी लॉन्ग सेशंस आप इस पर देख सकते हो मूवीज़ वगैरह के, ये आपके कानों में चुभती उभती नहीं है। और इनमें आपको बीस्ट मोड भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि लो लेटेंसी मोड, जिसमें आप गेमिंग वगैरह करोगे तो गेमिंग के लिए भी ये आपको रिकमेंडेड है। लॉन्ग सेशंस गेमिंग के भी आप इनमें कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है इनका। तो वो लैग वगैरह मुझे यहाँ पर पबजी खेलते हुए भी नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्वालिटी है। अब यहाँ पर इसमें आपको एक 3D ऑडियो स्पेशल ऑडियो का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिसे कि आप डबल टैप से ऑन ऑफ कर सकते हो ANC वाले से, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप यहाँ पर नॉर्मल वाले सिग्नेचर साउंड में सुनो बोट के, और फिर अगर आपको कोई मूवीज़ वगैरह देखनी है तो आप यहाँ से स्पेशल ऑडियो 3D ऑडियो वाले को ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपको थिएटर लाइक मूविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर आप इस पे मूवीज़ वगैरह देखते हो तो स्पेशल ऑडियो को यूज़ करके देखो, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। हाय गाइस, ये ऑडियो जो आप सुन रहे हो, ये सुन रहे हो भी बोट रॉकर्स 255 ANC के माइक से, और आपको कैसी यहाँ पर आवाज़ वगैरह आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मुझे इनका माइक काफ़ी अच्छा लगा, और प्लस इनमें आपको ANC मिल जाता तो बाहर की जो भी नॉइस आ रही है वो मेरे कानों में नहीं जा रही है, और काफ़ी अच्छा इनका ANC काम कर रहा है यहाँ पर अभी फिलहाल। माइक क्वालिटी मुझे यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगी। अब चलते हैं ऐप की तरफ। बोट की हियरेबल्स आपको ऐप देखने को मिल जाती है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डाउनलोड करके कनेक्ट करना सुपर ईजी है। ऐप के बारे में सारी चीज़ें जान लेते हैं। नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, डिफ़ॉल्ट और एम्बियंट पे सेट कर सकते हो, स्पेशल ऑडियो देखने को मिलता है, प्लस इस ईयरफोन में आप यहाँ पर इक्वलाइज़र भी सेट कर सकते हो। ये आपके कानों के हिसाब से भी, अगर इनको पहन के सेट करोगे कानों के हिसाब से भी ये सजेस्ट करेगा आपके लिए कौन सा बेस्ट है इक्वलाइज़र। बाकी आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी बना के इस पर सेटअप कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप काफ़ी ही बढ़िया अपने म्यूज़िक टेस्ट के अकॉर्डिंग सुन सकते हो। आप टच कंट्रोल्स यहाँ पर बटन कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं, उनमें भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि आपको ऐप कनेक्ट है तो नेक बैंड में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये नई हो जाएंगी। अब बटन की बात कर लेते हैं, आपको बटन कंट्रोल्स क्या देखने को मिलते हैं। सिंगल टैप पर आपको प्ले पॉज देखने को मिल जाता है, और प्लस माइनस के आपको यहाँ पर वॉल्यूम के बटन मिलते हैं सुपर इजी, जिनको कि प्रेस करके आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, और लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर सॉन्ग को नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो। प्लस वाले से नेक्स्ट करोगे, माइनस वाले से यहाँ पर आप प्रीवियस करोगे, और प्रीवियस में आपको दो बार करना होगा अगर आपको पिछला गाना सुनना है तो। बाकी यहाँ पर डबल टैप पे मैंने सेटअप कर रखा है बूस्ट, यहाँ पर बीस्ट मोड, लो लेटेंसी मोड, ट्रिपल टैप पे मैंने सेट कर रखा है वॉइस असिस्टेंट को। ये सारे यहाँ पर कंट्रोल्स हैं। बाकी आपको ANC के कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं ANC वाले बटन से। सिंगल टैप करोगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, डबल टैप करोगे तो आपका स्पेशल ऑडियो का यहाँ पर ऑन ऑफ हो जाएगा। काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी कंट्रोल्स हैं। अब गाइस, नेक बैंड की एक खास बात होती है, ये आपके एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह नहीं कैरी करते, आपके कानों में पड़े रहते हैं। जैसे ही आपको कोई कॉल आया आप इनको उठा के ये कॉल वगैरह आप ले सकते हो आराम से, कोई जैसे ही आपकी कॉल वगैरह फिनिश हो जाए फिर उसके बाद अगेन ये आपके गले में पड़े रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह भी नहीं घेरते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगती है मुझे नेक बैंड की, और इनको खोने का भी कोई रिस्क नहीं होता। बाकी IPX4 ये रेटेड देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इनको जिम वगैरह में हल्के फुल्के स्वेट वगैरह में यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इस टाइप की आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। बैटरी बैकअप की बात करूँ, बोट यहाँ पर 100 आवर्स का क्लेम करता है, तो 100 तो नहीं, फिर ये आपको 60-70 आवर्स का बैकअप आराम से दे देगी इनको। वो 20 आवर्स तक तो मैं यूज़ कर चुका हूँ, और अभी ये 50% भी नहीं हुए हैं,
60% पर हैं, तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो बैकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं देंगे। अब बात करते हैं 1800 के प्राइस पर क्या ये आपको लेने वर्थ रहेंगे या नहीं। तो आपको OnePlus के बड्स देखने को मिलते हैं Z2 ANC वाले 2000 रुपये के, उनसे यहाँ पर आपको बेटर चीज़ें ऑफर करी गई है, बेटर बिल्ड क्वालिटी है और साउंड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको लाउड देखने को मिलती है और अच्छी है। तो एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर स्पेशल ऑडियो जैसे दिए गए हैं, बोट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आप इनको रिकमेंडेड हैं, ले सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वन।